नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार, मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज गयाना में। करियर की आखिरी वनडे सीरीज में क्रिस गेल पर रहेगी नजर। छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और लवलीना विश्व चैंपियनशिप की टीम में शामिल, निखत जरीन फैसले से नाराज। और फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 15 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स शीर्ष पर, पीवी सिंधु सूची में शामिल एकमात्र भारतीय। खबर विस्तार से। टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद भारत की नजर अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम करने पर है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे आज गयाना में खेला जाएगा। ये वनडे सीरीज क्रिस गेल के करियर की आखिरी वनडे सीरीज है, ऐसे में सभी की निगाहें इस विस्फोटक बल्लेबाज पर रहेंगी। टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को चारों खाने चित करने के बाद भारत की नजर अब वनडे सीरीज में धाक जमाने पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे गुरुवार को गयाना में खेला जाएगा। वनडे सीरीज में शिखर धवन की वापसी होने जा रही है। शिखर धवन निश्चित रूप से वनडे फॉर्मेट में कोहली और रोहित के बाद टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 130 एक दिवसीय मैचों में शिखर धवन के नाम 17 शतक हैं और वे निश्चित रूप से टीम के सलामी बल्लेबाज बनने का पूरा मादा रखते हैं। वहीं चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल अभी सही चुनाव नजर आ रहे हैं। नवदीप सैनी वनडे सीरीज में पदार्पण करने जा रहे हैं और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। विश्व कप के सेमीफाइनल में निराशाजनक हार झेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से लय हासिल करनी है और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ऐसा करने का उनके पास बेहतरीन मौका है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम के लिए ये वनडे सीरीज इस मायने में अहम है क्योंकि ये गेल की आखिरी सीरीज है। विश्व कप में ही क्रिस गेल ने कह दिया था कि भारत के खिलाफ होम सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी। ऐसे में सभी को उनसे विस्फोटक पारियों की उम्मीद होगी। इस वनडे सीरीज के अन्य दो मुकाबले 11 और 14 अगस्त को खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर का कहना है कि उनकी टीम विश्व कप के खराब प्रदर्शन को भुलाकर वनडे सीरीज में एक नई शुरुआत करना चाहेगी। As I said, we have a couple of weeks to sit back and really think and divulge what happened in the World Cup. You know, I think the beautiful things that players are fresh. You know, they've come with different ideas, different concepts, you know, of obviously the ways they want to improve and the ways that we can get better. You know, I spoke about a few areas just a while ago, and then I just think it's a matter for each and every individual to play their role, you know, understand what is expected of them and just execute. You know, execution goes a long way. You know, you can sit back and plan as many things as you would like, you know, but at the end of the day, on a given day, you must come out and, you know, execute your plan. So I think each and every individual just has to, you know, put their hands up and, you know, perform their role. दीपक चहर की गेंदबाजी के बाद कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत की शानदार पारियों के दम पर भारत ने तीसरे और आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया था। इस मैच में कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए थे, एक नजर उन्हीं रिकॉर्ड्स पर। शॉट्स नहीं खेलते हैं जिनसे ये आपका विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। विराट की इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने करेबियाई टीम के खिलाफ तीसरा मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। कोहली ने तीसरे टी20 मैच में 45 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली। विराट ने अपनी इस पारी में 6 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 131.11। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली का 21वां अर्धशतक था। अब क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में विराट ने अर्धशतक लगाने के मामले में टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। अब अर्धशतक लगाने के मामले में विराट और रोहित संयुक्त रूप से पहले पायदान पर आ गए हैं। करीबी टीम के खिलाफ विराट ने अब तक कुल 9 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 45.82 की औसत से कुल 318 रन बनाए हैं। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 2 बार क्लीन स्वीप करने का रिकॉर्ड बना लिया है। ओवरऑल देखें तो भारत ने केवल 4th बार किसी टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। वो एक बार ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को भी 3-0 के अंतर से हरा चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने किसी टीम के खिलाफ 2 बार क्लीन स्वीप किया है। तीसरे टी20 में 65 रन की पारी खेलकर ऋषभ पंत ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।
पंत टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी भारतीय विकेट कीपर द्वारा एक मैच में बनाए गए सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 56 रन को पीछे छोड़ा। ऋषभ पंत का ये टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दूसरा अर्धशतक है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज की 58वीं हार रही। इसके साथ ही करेबियाई टीम के नाम सबसे ज्यादा हार का अनचाहा विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। केरन पोलार्ड ने 7 साल बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना पहला अर्धशतक लगाया। इससे पहले उन्होंने 30 जून 2012 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। इस मैच में उन्होंने 58 रन की पारी खेली। राहुल चाहर भारत के लिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 81वें खिलाड़ी बन गए और साथ ही वे भारत के लिए डेब्यू करने वाले 4वें सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। भारत ने 2019 में पहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीती है। इससे पहले टीम को न्यूजीलैंड 1-2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भारत के चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ दिया है। स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था। भारतीय कप्तान विराट कोहली अभी भी पहले स्थान पर काबिज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मंगलवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टीवन स्मिथ ने छलांग लगाई है। 16 महीने तक टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने वाले स्टीवन स्मिथ ने अपने वापसी के टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर दिखा दिया है कि वे टेस्ट क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक हैं। क्रिकेट से बैन होने से पहले स्टीवन स्मिथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज थे। यहां तक कि क्रिकेट से बैन होने के कई महीने बाद तक स्टीवन स्मिथ आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बतौर बल्लेबाज नंबर 1 बने रहे। बाद में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उन्हें पीछे धकेलकर अपनी बादशाहत कायम कर ली, जो अब खतरे में नजर आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 144 और दूसरी पारी में 142 रन बनाकर स्टीवन स्मिथ आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 4थे से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा तीसरे से 4थे पायदान पर खिसक गए हैं। स्टीवन स्मिथ के एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में 900 से ज्यादा अंक हो गए हैं। इस मुकाबले से पहले स्टीवन स्मिथ के रेटिंग पॉइंट 857 थे, जो अब 903 हो गए हैं। एक ही मैच में स्टीवन स्मिथ ने 46 रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं। ऐसे में एक बार फिर लग रहा है कि वे टेस्ट क्रिकेट के बादशाह हो जाएंगे। विराट कोहली फिलहाल 922 अंक के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर हैं। वहीं 913 अंक के साथ केन विलियमसन दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ के अंकों में सिर्फ 19 अंक का फासला है। अगर स्टीवन स्मिथ 14 से 18 अगस्त के बीच लॉर्ड्स में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक और बड़ी पारी खेलते हैं, तो वे विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच 22 अगस्त से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन 13वें स्थान पर पहुंच गए। उन्हें 6 स्थान का फायदा हुआ। लियोन ने आज वेस्टर्न टेस्ट में 9 विकेट लिए थे। उनके साथ ही पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं, उन्होंने 7 विकेट लिए थे। कमिंस के 898 रेटिंग अंक है। स्टुअर्ट ब्रॉड को 2 स्थान का फायदा हुआ है, वे 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्रिस वोक्स ने मैच में 4 विकेट लिए, वे 29वें स्थान पर पहुंच गए। गेंदबाजी में शीर्ष 10 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं। 6ठे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं, तो वहीं 10वें स्थान पर आर अश्विन मौजूद हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को पुरुष विश्व कप के विभिन्न मंचों पर डिजिटल कंटेंट संख्या जारी की, जो कुल मिलाकर 3.5 अरब है, जिसके डिजिटल क्लिप करीब 1 अरब रहे और ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूर्नामेंट्स में से एक रहा। इस टूर्नामेंट के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा वीडियो देखे गए, जिनकी संख्या 30 लाख से ज्यादा रही। आईसीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को 2.3 अरब लोगों ने देखा, जबकि फेसबुक पर 1.2 अरब लोगों ने देखा। आईसीसी के ट्विटर पेज पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो वो रहा, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भारतीय दर्शकों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ के प्रति सम्मान दिखाने का अनुरोध किया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैककलम ने सभी तरह के क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ब्रेंडन मैककलम इस समय ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में टोरंटो नेशनल्स की ओर से खेल रहे हैं। इस लीग के बाद वे किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलते नजर नहीं आएंगे।
तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया भर में मशहूर न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल टी20 लीग की समाप्ति के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। मैकलम ने अपने ट्विटर पेज पर आधिकारिक बयान जारी कर सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मैकलम ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, लेकिन वो दुनिया भर के टी20 लीग में खेलते रहे थे। इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 101 टेस्ट मैचों में 6453 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक शामिल हैं। उनका उच्चतम स्कोर 302 रन का है, जबकि उन्होंने 260 वनडे में 6083 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 71 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2140 रन बनाए, तो वहीं विश्व भर की अलग अलग टी20 लीग में खेलते हुए मैकलम ने 360 मैचों में 7 शतक के साथ 9922 रन बनाए हैं। गौरतलब है कि ब्रेंडन मैकलम का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है जो बेखौफ गेंदबाजों की पिटाई करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ब्रेंडन मैकलम ने 156 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, अपने आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने महज 54 गेंदों में शतक ठोक कर सबसे तेज टेस्ट शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिलहाल इतना थोड़ा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। आपका लेटर सबरे नमस्ते, हम है बस जो आपके बच्चे को कर देते बेस्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना, दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। भैया दो कोल्ड ड्रिंक देना, 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद बात करते हैं बॉक्सिंग की। 6 बार के विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम और लवलीना बोरगोहेन को हालिया प्रदर्शन के आधार पर आगामी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। हालांकि इस फैसले से पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन काफी नाराज हैं। 36 वर्षीय मैरीकॉम इस साल इंडिया ओपन और हाल ही में इंडोनेशिया में हुए टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उन्हें 51 किलोग्राम वर्ग में चुना गया है। विश्व और एशियाई कांस्य पदकधारी लवलीना 69 किलोग्राम वर्ग में भाग लेंगी। निखत ने हाल ही में थाईलैंड टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था और वे 51 किलोग्राम के ट्रायल में मैरीकॉम को चुनौती देने की उम्मीद लगाए हुए थी। मैरीकॉम को चुनने का फैसला BFI के शीर्ष अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करने के कुछ दिन बाद लिया गया। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 15 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स पहले स्थान पर हैं। PV सिंधु इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। खास बात यह है कि इस सूची में 12 टेनिस खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु भले ही इस साल कोर्ट में कोई बड़ा खिताब नहीं जीत पाई हों, लेकिन कमाई के मामले में वो भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी हुई हैं। सिंधु दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सिंधु दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में 13वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया की 15 महिला खिलाड़ियों की ये सूची जारी की है। इस सूची में अमेरिका की दिग्गज टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स टॉप पर हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट्स 2019 की इस सूची के मुताबिक सिंधु की कमाई 55 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 38 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए है। वो साल 2018 के अंत में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। दुनिया की शीर्ष 15 खिलाड़ियों में इस सूची में सेरेना विलियम्स पहले नंबर पर हैं। सेरेना की कुल कमाई $29.2 मिलियन यानी करीब 207 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स ने बताया कि 37 वर्षीय सेरेना अगले साल तक टेनिस खेलेंगी। इसके बाद वो अपनी नई पारी के रूप में क्लोथिंग लाइन में S by सेरेना में आएंगी।
और 2020 तक वो ज्वेलरी और सौंदर्य उत्पादों को भी लॉन्च करेंगी। इस फहरिस्त में दूसरे स्थान पर जापान की नाओमी ओसाका हैं, जिन्होंने 2018 यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इस खिताबी मुकाबले में ओसाका ने 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना को मात दी थी। ओसाका की कुल कमाई 24 लाख अमेरिकी डॉलर है। 15 महिला एथलीट्स वाली इस सूची में उन महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनकी कमाई 50 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अगर इतनी कमाई के लिहाज से पुरुष खिलाड़ियों पर नजर डालें तो 50 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई करने वाले 1300 से ज्यादा पुरुष खिलाड़ी इस साल ऐसे होंगे। लिस्ट में 12 टेनिस खिलाड़ी हैं। फुटबॉल से एक अमेरिका की एलेक्स मॉर्गन है। बैडमिंटन से सिर्फ सिंधु को स्थान मिला है। गोल्फ से थाईलैंड की आर्या युतानुगान को लिस्ट में शामिल किया गया है। शुरुआती 10 खिलाड़ियों में सिर्फ टेनिस की ही प्लेयर्स हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बारह बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने इस साल के फ्रेंच ओपन की जीत के बारे में खुलकर बात की। उनका मानना है कि कई महीनों तक चोट से जूझने के बाद इस खिताब को हासिल करना उनके लिए बेहद खास था। स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम को हराकर रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था। 12 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल का कहना है कि इस साल रोलां गैरो में जीत हासिल करना उनके लिए बेहद भावुक था। Well, that's part of my tennis career, no? And as everybody knows, देखिए, ये मेरे टेनिस करियर का हिस्सा है और सब जानते हैं कि रोलां गैरो में खेलना मुझे कितना पसंद है। ये मेरे लिए बहुत ही खास होता है। अच्छी बात यह है कि मैं अब भी प्रतिस्पर्धा में बना हुआ हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ और एक बार फिर से यहाँ जीतने में कामयाब रहा। ये बहुत ही भावुक था मेरे लिए क्योंकि कई महीने की चोट के बाद मैंने वापसी की थी। यहाँ पर वापस आना और जीतना अपने आप में एक नई ऊर्जा देता है। ये जगह बेहद खास है। One more time in that place is just amazing. राफेल नडाल के नाम अब कुल 18 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में नडाल ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें खुशी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। For everybody is important, no? But it's something that I am not. देखिए, ये हर किसी के लिए बेहद खास होगा, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। मैं खुश हूँ जिस तरह से चीजें चल रही हैं। हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इस समय ये मेरे जहन में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बढ़िया होगा, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ और मैं अपने खेल पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा मैं एक दो और ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब रहता हूं। गौरतलब है कि 12 फ्रेंच ओपन के अलावा राफेल नडाल ने एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 विंबलडन और 3 अमेरिकी ओपन खिताब अपने नाम किए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरू में चल रहे पैन अमेरिकन गेम्स में जिम्नास्टिक्स के ट्रैम्पोलिन इवेंट्स में पुरुष और महिला वर्ग का स्वर्ण कनाडा के नाम रहा। वहीं अमेरिका की एविटा ग्रिसकेनास ने रिथमिक जिम्नास्टिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए खेलों में अपना चौथा स्वर्ण जीतने में कामयाबी पाई। पेरू में चल रहे पैन अमेरिकन गेम्स में जिम्नास्टिक्स के ट्रैम्पोलिन इवेंट्स में कनाडा का दबदबा देखने को मिला। कनाडा के जेरेमी चार्टियर ने ट्रैम्पोलिन में पुरुषों के इंडिविजुअल फाइनल में जीत दर्ज की। कनाडा की सामंथा स्मिथ ने महिलाओं के इंडिविजुअल फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अमेरिका की कैमिला फीली ने रिदमिक जिम्नास्टिक्स के क्लब्स फाइनल में जीत दर्ज की। अमेरिका की ही ग्रिसकेनास को कांस्य से संतोष करना पड़ा। अमेरिका की एविटा ग्रिसकेनास ने रिदमिक जिम्नास्टिक्स के रिबन फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। ये उनका खेलों में चौथा स्वर्ण रहा। ब्राजील की टीम ने रिदमिक जिम्नास्टिक्स के ग्रुप 3 हुप्स में 2 पेयर्स के क्लब फाइनल में स्वर्ण जीता।
पुरुषों की बास्केटबॉल के गोल्ड मेडल मैच में अर्जेंटीना ने प्यूर्टो रिको को 84-66 से मात दी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने अमेरिका को हराया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर वेन रूनी ने सेकेंड टीयर इंग्लिश क्लब डर्बी काउंटी के साथ खिलाड़ी कोच के रूप में करार किया है। रूनी जनवरी में क्लब के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले वे मेजर लीग सॉकर की टीम डीसी यूनाइटेड के साथ थे। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर वेन रूनी ने सेकेंड टीयर इंग्लिश क्लब डर्बी काउंटी के साथ खिलाड़ी और कोच के रूप में करार किया है। रूनी जनवरी में क्लब के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले वे मेजर लीग सॉकर की टीम डीसी यूनाइटेड के साथ जुड़े थे। सेकेंड टीयर क्लब के लिए रूनी को साथ जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। 33 साल के रूनी ने क्लब के साथ 18 महीने का करार किया है, जिसे एक साल और बढ़ाने का विकल्प है। रूनी फर्स्ट टीम के साथ कोच के रूप में भी काम करेंगे, जो उनके मैनेजर बनने के सपने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है। इंग्लैंड वापस आकर खेलने का मौका और साथ में कोचिंग भी करना, ये सुनहरा मौका मैं नकार नहीं सकता था। मैं वापस यहाँ आकर खुश हूँ। मैं टीम को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। रूनी ओल्ड ट्रैफर्ड में डच मैनेजर लुई वैन गाल के तौर तरीकों से काफी प्रभावित थे। रूनी इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रिकॉर्ड स्कोरर रहे हैं। वे इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की तरफ पहले कदम बढ़ा दिए हैं। रूनी डर्बी के पूर्व बॉस फ्रैंक लैम्पर्ट और रेंजर्स के मैनेजर स्टीवन जेरार्ड के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। डीसी यूनाइटेड के साथ रूनी के करार में अभी 2 साल बचे थे। रूनी ने कहा कि इस बाकी बचे सीजन में उनका सारा ध्यान डीसी यूनाइटेड क्लब पर है और वे एमएलएस कप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। विकेट कीपर बल्लेबाज अजय रात्रा को आगामी घरेलू सत्र के लिए असम का कोच नियुक्त किया गया है। भारत की तरफ से 6 टेस्ट और 12 वनडे खेलने वाले रात्रा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पिछले सत्र में रात्रा ने मुंबई के कोच पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुंबई के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज विनायक सावंत इस दौड़ में उनसे आगे निकल गए थे। विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को कहा कि मुख्य कोच मिकी आर्थर और उनके सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। पीसीबी ने आर्थर, बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर, गेंदबाजी कोच अजहर महमूद और ट्रेनर ग्रांट लुडेन के अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला लेते हुए कहा कि बेहतर प्रक्रिया से नियुक्तियां की जाएंगी। पाकिस्तान विश्व कप में नॉकआउट चरण में भी नहीं पहुंच सका था। श्रीलंका के क्रिकेट अधिकारियों ने बुधवार को मुख्य कोच चंडिका हथुरसिंघा को निलंबित कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए अस्थायी विकल्प नियुक्त किया है। क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने कहा कि हथुरसिंघा की स्थिति पर अंतिम फैसला किए जाने तक श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज रोमेश को अंतरिम कोच बनाया गया। हथुरसिंघा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से नहीं जुड़ेंगे। उरुग्वे के पूर्व कप्तान और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले डियागो फोलॉन ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया। 40 वर्षीय फोलॉन पिछले साल से ही किसी टीम से नहीं जुड़े। इस बीच वे कुछ समय के लिए हांगकांग के किटची स्पोर्ट्स की तरफ से खेले थे। उन्होंने अपने देश की तरफ से 112 मैच खेले और 36 गोल किए। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने आई लीग के नाराज क्लबों से अपील की है कि वे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ मिलकर काम करें। फीफा ने हालांकि स्वीकार किया कि यहां के खेल के सामने मौजूदा जटिल मुद्दों के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आई लीग के पूर्व चैंपियन मिनर्वा पंजाब की अगुवाई में आई लीग के 6 क्लबों ने निजी तौर पर चलाई जाने वाली इंडियन सुपर लीग की शीर्ष लीग का दर्जा दिए जाने के AIFF के कदम पर सवाल उठाए थे। जम्मू और कश्मीर में तनाव की स्थिति को देखते हुए आई लीग क्लब रियल कश्मीर सत्र पूर्व अभ्यास जमशेदपुर या मुंबई में कर सकता है। केंद्र के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में तनाव की स्थिति होने के बावजूद रियल कश्मीर FC ने आई लीग चैंपियन चेन्नई सिटी FC को 1-0 से हराकर डूरंड कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। हॉकी इंडिया ने साल आए तूफान फोनी से मची तबाही से उभरने में ओडिशा की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोच में बुधवार को 31 लाख रुपए दान दिए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख नरेंद्र बत्रा ने बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चेक सौंपा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा।
लैवेंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा, भविष्य हमारा। ब्रेक के बाद स्वागत है। लंबे समय से चोट से परेशान ऑस्ट्रेलिया की पूर्व विश्व और ओलंपिक बाधा दौड़ चैंपियन सैली पियर्सन ने खेल को अलविदा कह दिया है। पियर्सन का कहना है कि वे बेहद दुखी हैं कि वे टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, लेकिन अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। बाधा दौड़ में ऑस्ट्रेलिया की विश्व चैंपियन सैली पियर्सन ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। लगातार चोटों से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का उनका सपना टूटता नजर आ रहा था। लंदन ओलंपिक 2012 की स्वर्ण पदक विजेता और 100 मीटर बाधा दौड़ में दो बार की विश्व चैंपियन सैली ने कहा कि अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16 बरस तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के बाद अब अलविदा कहने का समय आ गया है। संन्यास के बारे में बात करते हुए सैली भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हर बार वे तेज दौड़ना चाहती थी, लेकिन अब उनका शरीर साथ नहीं देता, साथ ही वे चोट बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि वे अगले साल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकेंगी। After 16 years of being on the Australian team, it's time to hang up the spikes. It's probably been a hard slog, in particular from the London Olympics to now with my injury issues. It's just ongoing and ongoing, and every time I want to go fast, the body doesn't want to. So I don't think I could take any more injuries, and I have huge doubts for the next year for me to be able to continue at the level that I expect of myself, and also what the country expect of me when I go to the Olympics. So I decided to, yeah, as I said, hang up my spikes and finish off with my sport, my competitive career anyway. I'd still love to be a part of my sport in any way I can be. उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भाग नहीं ले पाना निराशाजनक है। उनकी दिली इच्छा थी कि वे हमेशा ओलंपिक में भाग लें, लेकिन हर किसी एथलीट की जिंदगी में रिटायरमेंट का वक्त आता है। उनकी इच्छा है कि वे आने वाले जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत बने। There's nothing I can be disappointed about. It's disappointing I can't go to another Olympics, but if I could, I would go to an Olympics every single year if I could. They're such a wonderful event, but I'm proud of my career and what I've achieved, and hopefully inspire our next generation of athletes coming through, particularly in athletics. सैली का जन्म 1986 में सिडनी में हुआ था। वे बचपन में सैली मैकलिनन के नाम से जानी जाती थी। वे जब 12 साल की थी तब उनकी प्रतिभा की पहचान टाउन्सविले के लिटिल एथलेटिक्स कार्निवल में स्थित कोच शेरोन हन्नान ने की थी। बचपन में सैली को उन्होंने ही ट्रेन किया था। Yeah, well, I've known for about a week now that I was going to be doing this. And the first day I was deciding this with tears in my eyes and a lump in my throat. And it was really hard to take. I knew it was the right decision though, but making a decision about something that has been a part of my life for 20 years was hard to understand in a way, because वे जब मात्र 14 साल की थी तब उन्होंने महिलाओं के अंडर 20 में 100 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय खिताब अपने नाम की। हालांकि सैली ने एक धावक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने बाद में बाधा दौड़ को अपनाया जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। It's hard to take, and I would love to have been a three-time Olympian, and that's what disappoints me a little bit as well, but at the same time I am happy now. I'm relieved now that it's my career is over and there'll be no more injuries and no more vomit sessions. So 2006 मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में पियर्सन ने 100 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन दौड़ने के दौरान उनका एक पांव हर्डल में फंस गया जिसकी वजह से वे पदक से चूक गई। I obviously would love to say that the Olympic Games in 2012 was my most favorite memory. But I must say 2017 World Championships for me was something that I proved to myself that I could still do it. Even through the hard slog that I went through, I was still able to come back and be the victor at a major World Championships. So for me, that was my most proudest moment for me as an athlete and coach, because I was coaching myself. But London Olympics will always take my heart.
सैली ने 2008 ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता, उनके करियर की यह सबसे बड़ी सफलता थी। फोटो फिनिश के साथ ही वे सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहीं। वहीं 2012 लंदन ओलंपिक में सैली ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनका अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2017 में लंदन में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान था, जब उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली ड्रोन रेसिंग लीग के चौथे सीजन की तैयारी की झलकियों के साथ। इस बार लीग में ऐसे ड्रोन भी दिखाई देंगे जो एक सेकंड से भी कम समय में 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं। नमस्कार।